गुड मॉर्निंग क्लास, आई कनिका नरवाल, आई एम बैक विद यू विद अ न्यू चैप्टर एंड अ न्यू टॉपिक दैट इज डिजीज। क्या है डिजीज? बीमारी। हमारे शरीर को एक हेल्दी स्टेट से एक खराब स्टेट पर ले जाती है और हमें बहुत लो फील कराती है, वो है बीमारी। सो वी विल डिस्कस दिस चैप्टर थरली and will understand what are communicable diseases, what are non-communicable diseases. So let's start. Diseases means when the person or body is not at ease. Disease is the deviation of the body from its normal or healthy state. Kya hai disease? Ek body ka अच्छे स्टेज से एक गंदे स्टेज पर जाना, एक लो स्टेज पर जाना, वो है बीमारी। सो व्हाट आर टाइप ऑफ डिसीजेस? देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ डिसीजेस दैट आर नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल, क्या है नॉन कम्युनिकेबल? वो जो एक दूसरे से कुछ होने से नहीं फैलती, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब होता है छुआछूत, जो हम एक दूसरे को हाथ लगाएं तो वो फैल जाएगी। जैसे आज हमारा पूरा देश इस चीज़ से बहुत बहुत प्रॉब्लम में है, दैट इज COVID-19, दैट इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। सो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट एंड डॉक्टर्स आर सेइंग टू बी सेफ एट होम। सो व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस? Deficiency diseases, the diseases which are caused due to lack of nutrients such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals in our diet are called non-communicable diseases or deficiency diseases. क्या है non-communicable diseases? हमारे food में 5 nutrients होते हैं और उन 5 में से किसी की भी कमी हमारी body में, ये हमें deficiency करा सकती है इन सब चीज़ों की, deficiency of nutrients, and that can cause the disease. Deficiency diseases can be divided into 3 groups, that is protein calorie malnutrition, mineral deficiency diseases and vitamin deficiency diseases. So what is protein calorie malnutrition? Protein, हमें वर्ड से क्या पता लग रहा है, हमारी न्यूट्रिएंट्स में एक प्रोटीन भी एडिड होता है। अगर वो फूड हम इंटेक नहीं कर रहे हैं और प्रोटीन की हमारी डाइट में कमी है, सो दैट कैन कॉज प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। द चिल्ड्रन लेस देन 5 इयर्स ऑफ एज आर मोर प्रोन टू डिफिशियंसी डिसीजेस। मैरस्मस इज वन ऑफ द प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन डिसीज। Deficiency of proteins or carbohydrates or both in our diet can cause marasmus. This is the condition of a marasmus child. So ये क्या बता रहा है हमें कि अगर हमारी डाइट में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है या दोनों चीज़ों की कमी है तो that can cause marasmus. और ये किस वजह से होता है? अगर छोटा कोई बच्चा है, वो माँ का दूध या ब्रेस्ट फीड नहीं ले रहा, तो that even can cause because ब्रेस्ट फीड मिल्क do contain lot of nutrients and that too protein. It is protein rich diet for a child. So for prevention of marasmus, it is highly recommended that we should intake or the marasmus child should be given breastfeed. Symptoms kya hai is disease ke? एक बच्चे की ग्रोथ में रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब उसकी ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो रही जैसे एक नॉर्मल बच्चे की होती है। वो हमें ग्रोथ में, अगर वो 2 साल का है तो वो 1 साल की बच्चे की हरकतें करेगा। सो दैट इज़ रिटार्डेशन इन ग्रोथ, इवन इन मसल्स एंड स्किन। स्किन इज वेरी थिन, जैसे कि एक ओल्ड एज इंसान की होती है, उनकी स्किन ऐसी दिखने लग जाती है। क्वाशरकर इज कॉज्ड बाय मेजर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। Legs become long, thin and curved and enlarged liver and the belly sticks out. So this is the condition of a kwashiorkor child. किस लिए होता है ये? ये भी वही प्रॉब्लम है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे मरसमस के साथ। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ही kwashiorkor होता है। तो वी शुड हैव हेल्दी प्रोटीन डाइट ताकि हमारी, हमें किसी भी कंडीशन ऐसी देखने को ना मिले जिसमें एक लॉन्ग थिन लेग्स हो जाएं
और हमारा बेली, एक छोटे बच्चे का बेली अगर बाहर निकला रहता है तो वो बहुत अजीब लगता है। आज के टाइम में बड़े लोगों का तो होता है दैट्स ओके, सो बट अगर एक छोटे बच्चे का बेली बाहर होगा तो वो अजीब दिखता है। एंड इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ पोस्चर का प्रिवेंशन क्या होता है इसका? अफेक्टेड चाइल्ड शुड बी गिवन पल्सेस, एग्स, मिल्क, फिश, चीज, पोटैटो, शुगर एक्सेट्रा। अगर हमें प्रिवेंट करनी है क्वेश्चन कर तो हमें ये सब चीज़ों का इंटेक करना ज़रूरी है, बिकॉज दे कंटेन प्रोटीन, इट इज़ अ प्रोटीन रिच डाइट एंड इट शुड बी इंक्लूडेड इन दैट चाइल्ड। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसीजेज, दैट इज मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज। मिनरल्स आर असेंशियल फॉर कैरिंग आउट वेरियस मेटाबॉलिक एंड फंक्शनल एक्टिविटीज इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में चाहे प्रोटीन है, चाहे मिनरल है, चाहे विटामिन है, हर कोई अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इट इज़ नेसेसरी कि हमारी बॉडी एक न्यूट्रिएंट एनरिच्ड डाइट हो ताकि हम किसी भी डिसीज से सफ़र ना करें। दे कीप द ब्लड फ्री फ्रॉम डिसीजेस। ये मिनरल्स क्या करते हैं? हमारे ब्लड को डिसीज से फ्री करने में मदद करते हैं। डेफिशियंसी ऑफ आयोडीन कैन कॉज अ डिसीज कॉल्ड गोइटर। अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम गोइटर has an enlarged neck. क्या है? अगर नमक की कमी हो रही है, नमक एक टाइप का मिनरल है, अगर उसकी कमी हमारी बॉडी में है तो वी कैन हैव अ डिसीज कॉल्ड गोइटर। एंड ये होती है कंडीशन, अगर किसी को गोइटर है तो उसका नेक इतना बड़ा हो जाता है, एनलार्ज्ड नेक बोलेंगे इसको। बाई यूजिंग आयोडाइज सॉल्ट इन फूड दिस डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड। अगर हम अपनी डाइट में आयोडाइज सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो हम इस डिसीज से बच सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसीज, दैट इज विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस। विटामिन आर नीडेड इन आवर बॉडी इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। सम ऑफ दीज डिसीजेस दैट आर कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन इन आवर बॉडी आर एज फॉलोज। हमने अभी पढ़ा कैसे प्रोटीन की डाइट से कमी में, अगर हमारे डाइट में मिनरल की कमी है उससे, अब हमारे बॉडी में अगर विटामिन की कमी है तो उससे क्या डिसीज होंगी। विटामिन हमें बहुत कम क्वांटिटी में नीडेड होता है, बट अगर वो हमारी बॉडी में कम है तो उससे क्या क्या डिसीज हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, बेरी बेरी, पेलेग्रा एंड रिकेट्स। व्हाट इज नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टेकिंग फूड सच एज मिल्क, बटर, एग्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट एसेट्रा, इससे हमारी नाइट ब्लाइंडनेस होने के चांसेस कम है। अगर हम ये फूड इनटेक कर रहे हैं तो विटामिन ए कैन हेल्प अस टू अवॉइड दिस डिसीज। सो विटामिन ए, अगर हम सब चीज़ों को देखें तो मिल्क शुड बी इंक्लूडेड इन आर डाइट। इट इज नेसेसरी कि हम अ ग्लास ऑफ मिल्क, वी कंज्यूम अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्कर्वी। पीपल सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी हैव स्वॉलन एंड ब्लीडिंग गम्स। गम्स हमारे टीथ जिन पर टिके हैं, दैट आर गम्स। ये गम्स अगर स्वॉलन एंड ब्लीडिंग, मतलब इसमें से खून आ रहा है और ये सूजे हुए हैं, तो वी कैन से द पीपल और द पर्सन माइट बी सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी। द लैक ऑफ विटामिन सी इज द कॉज ऑफ दिस डिसीज। नाइट ब्लाइंडनेस की डिसीज होने का कारण था विटामिन ए, स्कर्वी का रीजन है विटामिन सी। तो कैसे स्कर्वी को हम बचा सकते हैं होने से? सो स्कर्वी कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, लेमन, आंवला, ग्रेप्स एक्सेट्रा। सिट्रस फ्रूट्स क्या क्या होते हैं? ऑरेंज, लेमन एंड आंवला। आंवला हमने देखा है, इवन सुना भी बहुत है कि आंवला इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, सो वी शुड कंज्यूम इट। एंड दीज आर नॉर्मली अ पार्ट ऑफ आर डाइट, बट अगर नहीं है तो वी शुड इंक्लूड देम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट disease, that is beriberi. Beriberi is caused by the deficiency of vitamin B. Beriberi होती है vitamin B की कमी से। The symptoms क्या होंगे इसके? Loss of weight and weak muscles. हमारी muscles strong होती है जो हमें खड़ा रहने में, हमें काम करने में help करती है,
बट अगर हमारी मसल्स वीक होती जाती हैं तो वी बिकम वीक टू. सो इफ वी आर हैविंग वीक मसल्स एंड वी आर लूजिंग आवर वेट, सो दिस कैन बी अ प्रॉब्लम. फूड रिच इन विटामिन B1 such as beans, meat, eggs and corn can help to avoid beriberi. Next one is pellagra. Pellagra is another disease which can be caused by the deficiency of vitamin B. Ye bhi vitamin B, beriberi and pellagra too is a deficiency of vitamin B. Symptoms kya honge iske? Skin rashes, weakness, mental depression. उसमें हमारी बॉडी में था वीकनेस एंड लॉस ऑफ वेट एंड दिस वन इंक्लूड्स स्किन रैशेस एंड इवन मेंटल डिप्रेशन. सो टेकिंग फूड्स सच एज मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, एग्स एसेट्रा कैन हेल्प अस अवॉइडिंग दीज डिजीजेस. जो विटामिन बी में रिच है फूड, अगर हम उसका इंटेक करेंगे तो वी कैन अवॉइड दिस पेलेग्रा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिजीज दैट इज रिकेट्स. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी causes rickets in which bones become curved. So क्या होता है rickets में? ये हमारे जो पैर हैं वो curved मतलब मुड़े हुए ऐसी shape में हो जाते हैं, जिसकी bones हैं वो shape change कर लेती हैं. The diet should include fish, eggs, milk and butter to avoid rickets. In addition, exposure to sunlight produces vitamin D in our body. Vitamin D कैसे मिलता है? विटामिन डी हमें सिर्फ सनलाइट से मिलता है. द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट. अगर हम सनलाइट की तरफ एक्सपोजर करते हैं, बोलते हैं कि सिर्फ घर में बंद रहना नहीं चाहिए, हमें सन रेज भी लेनी चाहिए. क्यों? बिकॉज विटामिन डी कैन इवन कॉज डिसीजेस सच एज रिकेट्स. सो ट्राई हैविंग दीज न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट एंड प्लीज बी सेफ फ्रॉम ऑल दीज डिसीजेस. With this, we have completed our non-communicable diseases. In the next video, we will discuss about the communicable diseases and we'll proceed with the chapter. Till then, go through the video, revise your chapter and wait for the next video. Thank you.